हाथरस में भगदड़ की वजह से हुए हादसे से पूरा देश हिल गया है। इस हादसे में अब तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है। हाथरस के शिकंदरा राव में चल रहे सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग शिविर में मची भगदड़ में 123 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा फिलहाल फरार चल रहे हैं। हाथरस हादसे का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी लेटर भेजा गया है। इस बीच कोर्ट में इस मामले को देखने के लिए नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा ने सीमा हैदर के वकील एपी सिंह को अपना वकील नियुक्त किया है। हाथरस कांड में भोले बाबा के वकील एपी सिंह इस बात को लेकर चर्चा में हैं कि क्या एपी सिंह भोले बाबा पर से दाग हटा पाएंगे। इस मामले में एपी सिंह भी बाबा की ही बात दोहरा रहे हैं। उनका कहना है कि इस घटना के पीछे असामाजिक तत्व थे, इसलिए इतनी बड़ी घटना हुई। ये सब एक प्लानिंग के तहत कराया गया। उन्होंने इस मामले में जाँच की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि वो प्रशासन को जाँच में भी सहयोग करेंगे। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा, जिनकी पश्चिमी यूपी में खास करके काफी लोकप्रियता है, और उनके हाथरस के प्रोग्राम में जिस तरह से भगदड़ हुई, अब ये जानकारी आ रही है कि चर्चित वकील एडवोकेट एपी सिंह जो हैं उनके तरफ से जो हैं अपनी बातें रखेंगे, ऐसा दावा उनकी तरफ से किया गया। एपी साहब, ये बताइए कि अभी जो आपकी हालिया बात हुई है बाबा से, क्या बात हुई है, क्या मैसेज उन्होंने दिया? सबसे बड़ा उनका मैसेज है, मैं भी हाथ जोड़ के इस देश के लोगों से, समस्त लोगों का पहले तो धन्यवाद करता हूं कि नारायण साकार हरि के सत्य के साथ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में दुख के क्षण में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना उद्बोधन देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में संसद में कर रहे थे, उस दौरान भी बीच में रुक कर किया। माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुदान भी दिया, खुद भी आज विजिट किया, उनके डीजीपी, उनके संयुक्त सचिव और सभी लोगों ने पहुंचकर राहत सामग्री, राहत चीजें, मेडिकल का किया, उनका धन्यवाद। एनडीआरएफ के लिए माननीय राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी अपने एनडीआरएफ को भेजा और मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। सभी पक्ष प्रतिपक्ष के लोगों ने एक सहयोग दिया, मोरल सपोर्ट की, और इसीलिए नारायण साकार हरि ने अपने इस अनुरोध में जो दिवंगत हैं उनकी आत्मा की शांति की कामना की है, जो इंजर्ड हैं उनकी इस प्राथमिकता के साथ उनको दवाई की, धन की, अस्पताल की, एम्बुलेंस की, हायर मैनेजमेंट की कोई जरूरत ना रहे वो पूरी हो। सबसे पहला हमारा लक्ष्य था उनके जीवन को बचाना, उनकी जिंदगी को बचाना, ये हमारा सबसे पहला लक्ष्य था। एपी जी, अगर बाबा जी को इतनी चिंता थी तो वो फिर सामने क्यों नहीं आ रहे, उनको तो फरार बताया जा रहा है। नहीं, देख, वो कभी फरार नहीं होंगे जीवन में, कभी फरार नहीं हुए। देखिए उनके साधन क्या है, वो कोई सोशल मीडिया नहीं चलाते, आप टाइम्स नाउ और ये सब इतने बड़े चैनल्स के, पूरा ग्रुप ऑफ चैनल्स है, उसके लिए रिपोर्ट करते हैं। आपने तो सबके इंटरव्यू लिए, क्या कभी नारायण साकार हरि का इंटरव्यू लिया? नहीं, क्योंकि वो सोशल मीडिया, सोशल साइट्स, यूट्यूब, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इससे सबसे, लिंक्डइन सबसे दूर हैं। उन्होंने कभी इन पर विश्वास नहीं किया, इन पर मतलब अपने जीवन में नहीं अपनाया, ये कही अपने जीवन, कभी कोई हैंडबिल, कभी पर्चा, कभी वीकली अखबार, कभी मैगजीन, सबकी छपती, कभी नहीं किया। उनके पंडाल में कभी कोई दान पात्र, चढ़ावा, रसीद, डोनेशन, कभी कुछ नहीं रहा है। एपी जी, मैं सब बात से सहमत हूं, लेकिन जो प्राथमिक अभी जो पहली एफआईआर हुई उसमें कुछ सेवादारों के नाम है, वो फरार हैं। दूसरा ये कि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, अगर इस मामले में कुछ कमियां अगर सरकार प्रशासनिक तौर पर हुई हैं तो उसमें बाबा को आकर खुलकर बोलना चाहिए और जांच में सहयोग करना चाहिए। देखिए, नारायण साकार हरि ने अपने सत्य के साथ में कभी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात नहीं, यहां परमिशन ली, अनुमति ली, उनके सेवादार पार्किंग व्यवस्था करते हैं, वाहन व्यवस्था करते हैं, सड़क व्यवस्था करते हैं, जल व्यवस्था करते हैं, भोजन व्यवस्था करते हैं, मंच की व्यवस्था सब करते हैं, कोई ऐसी आवश्यकता कभी नहीं पड़ी। लेकिन जो कल घटना हुई है उसके पीछे एक बड़ी साजिश, बड़ा षड्यंत्र था जो कि इस तरह से घटी, जब नारायण साकार हरि अपनी ब्रह्मवाणी के बाद मंच से चले गए अपने गाड़ियों के साथ, उसके बाद पीछे से तुरंत एंटी सोशल एलिमेंट्स जिन्होंने षड्यंत्र के साथ, साजिश के साथ, प्लान के साथ हमारी भोली भाली संगत, भोली भाली महिलाओं के साथ एक ऐसी भगदड़ आयोजित की, भगदड़ बचाई जिसमें आहत हो गए। हाँ, हमारी संगत माइंड से प्रिपेयर नहीं थी, भोली भाली थी, महिलाएं थी, पुरुष थे, सेवादार थे, सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे, सत्य के मार्ग पर चले, वो इस साजिश का शिकार हो गए जिसका खामियाजा जीवन भर
नारायण साकार हरि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम और संगत और उनके परिवार लोगों को भुगतना पड़ेगा। कुछ लोगों की उपस्थिति उनके जीवन में नहीं रही। पहली प्राथमिकता थी उनका अच्छा इलाज हो, दूसरी प्राथमिकता है नारायण साकार हरि कोई लावारिस लाश न रहे, अंतिम संस्कार के समय वो अपने परिवार में समय पर पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए, गर्मी भी हो रही है तो ये व्यवस्थाओं में भी लगे। इतनी बातें कह तो रहे हैं लेकिन जब हमने तस्वीरें देखी लोग परेशान थे, दबे पड़े थे, उन्हें इलाज नहीं मिल रहा था लेकिन वो तो चले गए, इलाज की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई, बहुत लोग इलाज के लिए तड़पते रहे, ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे। जो उत्तर प्रदेश देखे, सिकंदरा राव जैसा छोटा कस्बा था वहां जो इलाज हो सकता था, पास में एटा था, जैथरा था और जो आगरा था, अलीगढ़ था, जहां जहां जैसी व्यवस्थाएं जो हुई हैं लोगों ने प्रयास किया, लोग सेवादार लगे रहे। जितने डॉक्टर्स ने जो प्रयास किए मैं उनका धन्यवाद करता हूं, मैं तो मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो आप लोगों ने त्वरित वहां पहुंचकर आपाधापी में चीजों को दिखाया, जिसकी वजह से शासन प्रशासन जागरूक हुआ और उन्होंने मदद की और कुछ ना कुछ तो आप लोगों की वजह से भी जिंदगी बची होगी, मैं इसलिए आपका भी बहुत बहुत आभारी रहता हूं। ठीक है, अभी मेरा ये सवाल है कि अगर कल को उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस से जाकर कहती है कि हमें इस मामले में जांच करना है, पूछताछ करना है, क्योंकि उनके नाम का आयोजन था, तो क्या वो पुलिस के सामने आएंगे? सदैव 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 ऑलवेज नारायण साकार हरि जीवन में सदैव कानून में विश्वास करने वाले हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन रहे हैं, कानून में विश्वास किया है उन्होंने और कानून में पूरे जीवन के आखिरी क्षण तक नारायण साकार हरि विश्वास करेंगे और उसमें साथ देंगे, सहयोग करेंगे और हम अनरेबल हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस का भी जो इसमें जांच में करेंगे और SIT की टीम का, उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम का भी धन्यवाद करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के चुने हुए लोगों में से एक है, मैं कहना चाहता हूं कि दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए। आखिरी में बताइए कि अभी वो कहां है, आखिर फिर देश में ही है, आश्रम का आश्रम का दरवाजा ही नहीं खुला। देखिए व्यवस्थाएं हैं, सब व्यवस्थाएं हैं, ऐसी हैं व्यवस्थाएं, उन्होंने नियुक्त किया ना मुझे, नियुक्त किया उन्होंने तो भेजा है, उन्होंने तो बताया है। देखिए नारायण साकार हरि कभी आपको एयरपोर्ट पे भागते नहीं मिलेंगे, कपड़े बदले हुए नहीं मिलेंगे, दाढ़ी बढ़ाए खड़ाए नहीं मिलेंगे, जिस तरह जैसे आपने देखे हैं उसी तरह से आपको। अभी आपसे पूरे देश की मीडिया बात करना चाहती है लेकिन अभी एक सवाल बस और ये है कि आपसे उनका संपर्क क्या हुआ, क्या बातचीत हुई? हमें तो एक आपके तरफ से प्रेस रिलीज मिली कि उन्होंने अपनी बातें कही। हाँ, उन्होंने क्या, उन्होंने किस तरह से, कितनी देर बात हुई, क्या भाव और था? हम कल विस्तार से बात करेंगे, सारे ऑर्डर्स, सारी अनुमति, सारी परमिशन, सारे साइट प्लान के साथ कल हम हाथरस जा रहे हैं। कल हम वहां सिकंदरा राव भी विजिट करेंगे, घटना स्थल को भी देखेंगे और वहां भी जाएंगे, अस्पताल भी जाएंगे, आई विटनेस से भी मिलेंगे और इंजर्ड से भी मिलेंगे और जो परिवार के लोग हैं उनके साथ। आखिरी में सवाल, क्या लगता है बाबा को कहीं ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा कि कोई गलती रह गई उनकी तरफ से भी, क्योंकि लोग चरण रज लेने के लिए दौड़े और गिर पड़े? कभी नहीं, मैं आपको दावे और विश्वास के साथ कहता हूं, आप बहुत देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी कोई आप वीडियो दिखा दें जिसमें वो पैरों को छुला रहे हो, पैरों की पूजा करते हैं, उन्होंने अपनी कभी पैरों की पूजा नहीं करी। वो कार्यक्रम में भी रेडियस 25-30 मीटर का रेडियस लगा के रखते हैं जिसमें कोई वहां पास नहीं जा पाता है। महिलाओं अलग पंडाल है, महिलाओं के अलग पंडाल है, बीच में गैलरी है, उन महिलाओं की महिला सेवादार है, पुरुषों का अलग पंडाल है, उनके पुरुष सेवादार है पूरी तरह से। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।